हेलो दोस्तों, अपनी इस चीज की व्यवस्था कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, ये देखो कुदरत ने क्या कर रखा है। इंसान मेहनत भी करे तो क्या करे, और इतना मेहनत करने के बाद इंसान को क्या मिलता है। ये कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती, और ये हवा का ने ऐसे बुरा हाल कर दिया। हवा ने तो आप देखेंगे पूरे खेत लटक गए हैं, पूरी फसल खराब हो गई है। दोस्तों मैं आपको इसके बीज भी दिखा देता हूँ। सरसों के बीज है, काफ़ी अच्छे हो गए। तो ये है सरसों के बीज, मम्मी दिखा रही है खोल के। इस टाइप के होते हैं बीज, जिसकी मैंने अभी आपको वीडियो भी दिखाई थी। अभी थोड़ा कच्चे 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 से हो रखे हैं ना। अभी देखो वाइट वायर से दिख रहे होंगे आपको। ये देखो दोस्तों, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखो वाइट वायर से दिख रहे हैं ना आपको, ये अभी कच्चे है। ये अभी लाल से होंगे नहीं, ब्राउन टाइप में होंगे, तब पकते हैं। ऐसी का ही बनता है तेल, ऑयल जिसको बोलते हैं, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। तो आप देखेंगे धूप से कितना बढ़िया लग रहा है खेत, और ऐसा लग रहा है कि पूरी बर्फ़ की चादर बिछी होगी। और इस टाइम क्या है, इस टाइम भी पाला और पड़ रहा है, मौस पड़ रही है, और पूरा खेत ऐसा लग रहा है कि चादर बिछी होगी पूरी की पूरी। आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि चादर बिछी होगी बर्फ़ की पूरी। यहाँ से भी आपको एक शॉट दिखा देते हैं, तो कितना बढ़िया दिख रहा है खेत। देखो दोस्तों दूर दूर तक हरा भरा। हम जा रहे हैं अंदर, आपको दिखा देते हैं। बहुत ही बढ़िया लिप्टिस के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर, और इनकी भी बड़ी वैल्यू है मार्केट में, बहुत कीमत में बिकते हैं ये भी। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए मेरे दोनों तरफ, आप देखेंगे दोनों साइड तो लिप्टिस के पेड़ दिखाई देंगे आपको। ये दोनों पेड़ लिप्टिस के हैं, इधर भी और इधर भी, दाएँ और बाएँ की तरफ। मम्मी आगे हैं, मैं पीछे से वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ। तो ऐसे दिखाई देते हैं ये लिप्टिस के पेड़, लाइन से लगे हुए हैं। ये बड़े ही महंगे और कॉस्टली जाते हैं मार्केट में। और दोस्तों जो ये रास्ता है, यहाँ से हम जाते थे पहले बहुत घूमने के लिए, और जो वो सामने आप देख रहे हैं वहाँ पार हो जाते थे। वहाँ से आपका कुमाऊँ ब्लॉक पड़ जाता है, तो उधर यहाँ पर रास्ता बंद कर दिया, जिनके खेत थे उन्होंने रास्ता बंद कर दिया यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये खेत जिनके हैं उन्होंने पूरा रास्ता बंद कर दिया। जाते थे घूमने के लिए, पूरा का पूरा राउंड लग जाता था वहाँ से वहाँ तक। तो इसीलिए
तो दोस्तों आप ये देखेंगे सामने, ये जो आप ये गलियारी से देख रहे हो नाली टाइप की, तो यहाँ से ही पानी की सप्लाई होती है। तो यहाँ से पानी आता है और सीधा ये पानी खेतों की ओर जाता है। तो यहाँ खेतों की सिंचाई भी इसी प्रकार से की जाती है। और सामने आप देखेंगे ये लंबे लंबे से पेड़ जो दिख रहे हैं आपको, ये हैं लिप्टिस के पेड़। दोस्तों इनको लगाने का पर्पज़ यही है, अपनी आमदनी का एक सोर्स है ये लोगों का, तो ये भी अच्छा सोर्स है आमदनी करने के लिए। तो आप देख लीजिए दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर अधिकतर लोग अपने खेत पे ही जीवन का निर्वाह करते हैं। जिनके पास खेत है वो खेत पे निर्वाह करते हैं अपना जीवन। देख रहे हो ये रास्ता है जो है इस टाइप का है, ऊबड़ खाबड़ सा, छोटी सी पगडंडी बनी हुई है। तो यहाँ पर पहले ना यहाँ पर एक खंभा लगा हुआ था और खंभे से हम आराम से उस पार चले जाते थे, उस पार की तरफ चले जाते थे। और उधर पड़ता है कुमाऊं ब्लॉक और इधर आपका भट्टा कॉलोनी भी पड़ता है, इधर को भट्टा कॉलोनी भी पड़ती है। और इधर तो जाओगे जो राइट साइड में देखेंगे आप, तो राइट साइड में पड़ता है कुमाऊं ब्लॉक। तो ये रास्ता पूरा बंद कर दिया और खेत सामने सामने दिख रहे होंगे आप, यहाँ से भी रास्ता बंद कर दिया है, कहीं से जाने का रास्ता नहीं है। और बरसात के टाइम में तो यहाँ तो बुरा हाल होता है। ये देखो दलदल सी बनी हुई है, इस टाइप की दलदल सी है। दोस्तों मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने सोचा कि आज मैं इधर घूमने आया हूँ, तो मैं सोचा क्यों ना कि आपको, हम अपनी ऑडियंस को, अपनी YouTube फैमिली को दिखाया जाए और यहाँ का भी वीडियो बनाया जाए। ये अपने उत्तराखंड और कुंडेश्वर में पड़ता है, ये भी एक गांव है, गांव तो नहीं बोल सकते पर ये काशीपुर से आपका 7-8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, बहुत अच्छी जगह है और हमारे घर से मात्र लगा लो कि 20 मिनट की दूरी पर है। दोस्तों आप ये देखेंगे ये सामने जो है, ये आपको पेड़ से दिखाई दे रहे हैं, ये औषधि है जिसको हम दवाई बोलते हैं ना, तो इसकी दवाई बनती है। इसमें फूल आएंगे, छोटे फूल आते हैं ना, तो उसकी दवाई बनाई जाती है। तो खेतों में इस प्रकार से दवाई का उत्पादन भी किया जाता है और औषधि है ये, नेचुरल है, बिल्कुल प्राकृतिक से बना हुआ है। चारों आप देखेंगे तो आपको इसी प्रकार से दिखाई देगा। दोस्तों आप देखेंगे ये पूरे लाइन से जो लगे हुए हैं पेड़, ये लिप्टिस के पेड़ है, आम का पेड़ भी मिल जाएगा, आम का पेड़ भी लगा हुआ है, ये भी आम का पेड़ है, इसमें भी कुछ समय के बाद आम आने चालू हो जाएंगे। अगर बरसात नहीं हुई, अगर हवा नहीं आई, तूफान नहीं आया, तो बहुत बड़े आम लगने वाले हैं इसमें भी। अब कैसे आए भाई, यहाँ से रास्ता है क्या जाने का? ये देखिए दोस्तों, अब आपको हमने अच्छे तरीके से दिखा दिया है, ये है सरसों के बीज, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो मम्मी के हाथ में, इस टाइप के रहते हैं ये, पीले हो रखे हैं, अभी पीले हो रखे हैं, जब ये वैसे हो जाए ना ब्राउन ब्राउन टाइप से, लाल लाल टाइप में हो जाएंगे तब पक जाते हैं, तब सही हो जाता है तब उसके बाद। तो दोस्तों हमारा जो डॉगी जो है सुरकी, वो भी पूरा आनंद ले रहा है घूमने का, इसको भी मज़ा आ रहा है घूमने में, कभी उधर कभी इधर दाएँ बाएँ घूमते रहता है। अभी भैया के साथ घूम के आया, फिर हमारे साथ भी आ गया घूमने के लिए। तो देखो दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों इस ब्लॉग को यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो और ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, आपकी अति कृपा होगी। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत माता की।